मीरा रोड में चल रहा है गोपाल शेट्टी के भांजे सुभाष शेट्टी के सहयोग से अवैध यानी इलीगल क्लब। मुंबई से सटे ठाणे मीरा रोड RNA ब्रॉडवे सोसाइटी के अंदर इलीगल क्लब कई सालों से चल रहा है, जिससे सोसाइटी के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और सोसाइटी के लोगों का कहना यह है कि यह क्लब की जगह सोसाइटी की है, जो कि क्लब मालिक कुणाल केलकर इलीगल कब्जा करके क्लब चला रहा है, जबकि बिल्डर ने उस क्लब को खाली करने का लेटर भी दिया था। इस पर हमसे बात करते हुए सोसाइटी के कुछ लोगों ने कहा कि ये जो क्लब हाउस है, ये सोसाइटी को एमिनिटी स्पेस करके बिल्डर ने बनाया था उनके यहाँ के रहवासियों के लिए सुख सुविधा। लेकिन कई सालों से बिल्डर जो है ये ताबा सोसाइटी को नहीं देखे, एक प्राइवेट व्यक्ति को उन्होंने भाड़े पे दिया जहाँ बाहर के लोग आते थे। इसके ऊपर कई बार सोसाइटी ने प्रयास किया लेकिन सफलता ना मिली। लास्ट में कायदे का दरवाजा खटखटाया, लोक आयुक्त तक गए, सभी जगह गए और अल्टीमेटली उनको न्याय मिला। बिल्डर ने भी हैंडओवर किया लेकिन बिल्डर ने ये ऑलरेडी किसी को भाड़े पे दिया हुआ था। उन्होंने बहुत सारी मेंबरशिप ली हुई थी, जो चला रहा था उसकी लड़ाई बिल्डर से। अब ये बिल्डर ने सोसाइटी को दिया तो ये सोसाइटी का अधिकार वैसे भी बनता था और अब पूरा अधिकार बन गया। आज का जो था कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी घटना ना घड़े, हादसा ना हो, किसी को कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए आज ये एक तरह से मैंने मीडिएटर बन के और हमारे गोपाल शेट्टी जो MP है वो हम दोनों ने मीडिएटर बन के बोला कि इसको हम टेबल पे बैठ के सुलझा देंगे, ख़त्म से करेंगे शांतिपूर्वक। क्लब सोसाइटी का है वो बात गोपाल जी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ और हम उसी विचारधारा पर आगे के निर्णय लेने वाले, और हम नहीं लेने वाले, जितने भी बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी है उनको बैठ के लेना है। हम तो मीडिएटर का रोल प्ले करने वाले हैं कि शांतिपूर्वक ये ख़त्म हो। जो इन्हें पटे और जो कुणाल करके यहाँ पे चलाता था उसका सामान पड़ा है या जिसने उन्होंने पैसे लिए उनको पैसे लौटाने होंगे या जो भी उसको करना है वो सारी चीज़ें भी करनी है। इसलिए शांतिपूर्वक आज ये बंद किया है, चाबी मेरे पास रखी है और ये हम कल या परसों में बैठ के इसका एक शांतिपूर्वक डिसीजन लेंगे। हम लोग पिछला 12-13 साल से संघर्ष लड़ रहे थे, जो हम लोग थक चुके थे ऑलरेडी। आज जो निर्णय हुआ, मेहता साहब ने जो हमारे आमदार है उन्होंने आए और उनका जो भी उन्होंने सहयोग किया, हम लोग उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स के लोग जो इतने साल के जो हमारे जो प्रयास से आज ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्रयास जो अभी समाप्त हुए हमारे हक हमको मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको इंसाफ मिल गया? इंसाफ तो अभी 80% लग रहा है मिल चुका है, जिस दिन हमको पूरा और भी मिल जाएंगे तो मतलब वो जैसा कि आपके सामने बताया उसने, परसों का दिन उसने बुलाया जाएगा, क्या डिसीजन लोगे, गोपाल सिटी के साथ मीटिंग कराएंगे, क्योंकि काफी नाम आ रहे थे हम लोगों को भी सुनने को जो जिनके वजह से हम लोग थोड़ा पीछे आ जा रहे थे, तो अभी थोड़ा उम्मीद तो जग चुका हूँ और इतना सारे चीज हो चुका है तो आगे भी हो जाएगा, ऐसा ही उम्मीद रखता हूँ। जो हमने शकीला आलम, हमें बहुत खुशी भी है नरेंद्र मेहता जी ने जो काम करके गए दिए शांतिपूर्वक, हम लोग भी चाहते थे शांतिपूर्वक होए। कितने दिनों से आप लोग परेशान थे यहाँ? हम लोग कम से कम 4-5 साल से इनके पीछे लगे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, आज इन्होंने आके हमारे हवाले कर दिया। लेकिन ये मंजिल अभी नहीं मिली है हमें, अभी हम रास्ता कर रहे हैं सफर, मंजिल जिस दिन मिलेंगे, जिस दिन मंजिल मिलेंगे उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी बुलाएंगे और धूमधाम से करेंगे। धन्यवाद। ओके, मैं लास्ट 5 ईयर से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पेपर वर्क, क्लब हाउस, MBMC, पुलिस चौकी, सब जगह पे जाके, बट किधर से भी हम लोग को कुछ मौका नहीं मिल रहा है एक गाड़ी करवा के देने के लिए। अभी पुलिस वाला भी हम लोग को ऑब्जेक्शन दे दिया, नहीं हम लोग नहीं कर सकते, कोर्ट में जाइए। फिर आज मैं मेहता जी के पास गया, गोपाल शेट्टी सर के पास गया, सब लोग बोला हम लोग करवाता हूँ। आज लास्ट डे मेहता जी बोला मैं आके लॉ करवा के दे देता हूँ, बट अभी भी उसने बहुत फ्रॉड केस किया हुआ है। रिलायंस का नाम पे उसका नाम चेंज कर दिया, फिर उसका हेड ऑफिस में गया रिलायंस का, उसने लेटर दे के वापस क्लब हाउस RNA ब्रॉडवे का बिल्डर का नाम पे कर दिया था। और दूसरा अभी MBMC का नाम भी उसने अभी रिसेंटली चेंज किया हुआ है, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स का, हाँ, अभी चोरी करके पानी 9 साल से चला रहा है। MBMC ने उसको फाइन डाला हुआ 1.5 लाख रुपया, उसने सीधा जाके तो वर्क आ गया, हम लोग मना किया क्योंकि उसके ऊपर FIR जाना ही चाहिए। और हम लोग 3 जन इसका ज्यादा नजदीक में रहा था, मैं और कान और जोराम डिसूजा, और हमारे ऊपर उसने FIR डाला हुआ है, अभी वो केस चल रहा है, कोर्ट में आ गया, उसका आदमी को हम लोग ऑफ मर्डर किया करके, बट इतना रहवासियों को मालूम है हम लोग कुछ आज तक उठाया नहीं उसके ऊपर, तो इतना झूठा झूठा केस डाल के अभी भी उसने हीरो जैसे इधर घूम रहा है। मतलब 850 रहवासियों के लिए एक आदमी इधर हीरो बन रहा है, तो इधर सामने वाला बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी है, सब जगह पे उसका नाम पे कर रहा हूँ, मैं काली नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लास्ट फाइनल में आज आ गया, हाँ, और हर इंडिविजुअल रेजिडेंस से 30,000 के आसपास उन्हें बिल्डर ने लिया हुआ है और बिल्डर इसको काली करने के लिए बोल रहा है।
बिल्डर ने तो हैंडओवर आपको दे दिया है? नहीं, अभी लेटेस्ट दे दिया, अभी सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। बिल्डर कौन है? बिल्डर आरएनए बिल्डर, आरएनए अनुभव अग्रवाल। जो भी अपना कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत किया, बहुत भागम दौड़ किया, लास्ट में आखिर तक कैसा भी अपना ताबे में आ गया। मैं बहुत शुक्र गुजारता हूँ भाई, जो कुछ मेहनत किया है। मैडम भी किया, वो मैडम भी किया, नहीं वही कार्यकर्ता सब। मैं बोला आपको मैडम उधर हम लोग का मैडम सब सरदार जी का, इसका मिलिट्री अपना है, एक्स रिटायरमेंट राम सिंह, सब हम लोग के 6 महीने से इसे पीछे पड़ा है। हम लोग एक्चुअली डेली इसके पीछे था, डेली हम तीन साल से परेशान है। अभी 6 साल से हम लोग 6 महीने से इसको पीछे पड़ा है, डेली। अभी बहुत खुशी होगा, अभी कुछ खुशी हो गया, हम लोग के हाथ में आ गया ना, हम लोग का सोसाइटी के हाथ में आ गया ना, हम लोग बहुत खुशी। आज MLA अपना नरेंद्र मेहता ने आज आके बंद किया, वो हिसाब से तो सब रविवार से इधर का जो RNA ब्रॉडवे एकदम खुश में है। और 2-4 दिन लगेगा, मगर ये खान भाई भी है अपना साथ, तो लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अपना ताबे में आ गया, उसके लिए धन्यवाद है।